विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के पांचवें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस भाग की शुरुआत करने से पहले आज बोधिसत्व विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की 129वीं जन्म जयंती के अवसर पर मेरी ओर से अंबेडकर परिवार की ओर से आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। यह पांचवा भाग चौथे भाग का एक कंटिन्यू भाग है, इसलिए मैं चौथे भाग में क्या हुआ था यह एक क्विक रिकैप आपको बताना चाहता हूं। चौथे भाग में हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता आता है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी बहिष्कार डालते हैं और गांधी जी के वहां अनुपस्थिति होने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर भारत के अस्पृश्य लोगों की 9 करोड़ लोगों की हक और अधिकार की मांगे वहां पर रखते हैं। अंग्रेजों से वो सारे अधिकार प्राप्त करते हैं। गांधी को यह बात भारत में पता चलती है। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी वहां पहुंचते हैं और केवल बाबा साहब का विरोध करने का काम करते हैं। वहां पर वो एक छुपा षड्यंत्र करते हैं, वहां की मुस्लिम डेलीगेशन को बाबा साहब का विरोध करने के लिए तैयार करते हैं। मुस्लिम्स बाबा साहब का विरोध करने के बजाय बाबा साहब के पक्ष में खड़े होते हैं और परिणाम होता है बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। यहां तक हमने कल के भाग में देखा। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे ये हुआ, ये आप सभी लोगों को पता है, गांधी जी ने धमकी दे दी, वहीं पर लंदन में धमकी दे दी कि भारत के अछूतों को अगर कोई अधिकार देते हो तो मैं अपनी जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। ये धमकी देने की वजह से जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं, भारत में आने के बाद उनको पुणे के येरवडा जेल में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद जो घटना हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी उसको आगे नहीं लाया जाता, इसका कभी प्रचार नहीं किया जाता। गांधी जी क्यों अछूतों के हक और अधिकार के खिलाफ थे ये बात कभी बताई नहीं जाती, हालांकि ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स इस किताब में, लेकिन फिर भी इसका कभी प्रचार नहीं किया जाता। गांधी जी को जब पुणे के येरवडा जेल में डाला गया तो गांधी जी ने 3 खत अंग्रेजों को लिखे हैं। ये 3 खत आपको उस बुक में मिलेंगे, आप कभी जाकर पढ़िए। गांधी जी पहले खत में लिखते हैं, अंग्रेजों को लिखते हैं कि मुझे कोई अनशन नहीं करना है, मुझे कोई भूख हड़ताल नहीं करनी है, लेकिन केवल बाबा साहब को दिया हुआ जो कॉम्युनल अवार्ड है वो वापस ले लो। कई सारे लोगों को तो कॉम्युनल अवार्ड क्या है यह तक पता नहीं। हमारे हक और अधिकार सारे के सारे इस कॉम्युनल अवार्ड में तहत है, निहित है। जैसे आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट सेटलमेंट, आपके स्कूलों में, आपके पढ़ाई में, आपके नौकरियों में रिजर्वेशन की प्रावधान है, ये सारे उस कॉम्युनल अवार्ड में है जो बाबा साहब लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से लेकर आए थे, लेकिन गांधी ने वो छीन ली। गांधी ने पहले पत्र में, पहले खत में अंग्रेजों से कहा कि मुझे कोई अनशन नहीं करना है, केवल बाबा साहब को दिया हुआ जो अधिकार है, बाबा साहब को दिया हुआ जो कॉम्युनल अवार्ड है वो वापस ले लो। अंग्रेजों ने रिप्लाई भेजा कि गांधी जी आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपने खुद हमें यह सहमति दी है कि आप लोगों में, आप दो पक्षों में अगर कोई समझौता नहीं होता तो जो समझौता हम देंगे, अंग्रेज देंगे, वो आपको कबूल होगा, ऐसे आपने खुद साइन करके हमको वो परमिशन दी है। अब ऐसे हालातों में आप अपने ही जबान से कैसे मुकर सकते हो, इसलिए हम बाबा साहब को दिया हुआ कॉम्युनल अवार्ड नहीं लेंगे। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज ये कॉम्युनल अवार्ड वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे 3 खत मनाने के उन्होंने वहां पर अंग्रेजों को लिखे, अंग्रेजों ने डिनाई कर दिया कि हम ये अवार्ड वापस नहीं लेंगे। उसके बाद गांधी ने अपने साथियों को कहकर कहा कि आप बाबा साहब से जाकर मिलो और बाबा साहब से ये कहो कि आप ये अवार्ड खुद छोड़ दो, खुद से वापस दे दो। बाबा साहब किसी मीटिंग से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, रात के अंधेरे में चोरों की तरह, डाकुओं की तरह बाबा साहब अंबेडकर जी की गाड़ी हाईवे पर रोकी गई। हाथ में मशाल लिए हुए कुछ गुंडे बाबा साहब अंबेडकर जी की गाड़ी के ऊपर आकर चढ़कर बाबा साहब की गाड़ी को रोका। बाबा साहब नीचे उतरे
और बाबा साहब ने इनको पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो उस गांधी ने भेजे हुए उन गुंडों को, गुंडों ने बाबा साहब को बताया कि आपने जो अवार्ड लेकर आए हैं, आप जो कम्युनल अवार्ड लेकर आए हैं, वो खुद से अंग्रेजों को वापस दे दो। बाबा साहब ने वहीं पर एक स्टेटमेंट कही, एक बात कही कि वो जो सामने खंभा दिख रहा है ना, उस सामने के खंभे पर लटका कर मुझे गोली भी अगर मार देते हो तो भी मेरे समाज के हक और अधिकार में कतई वापस नहीं देने वाला, मैं बिल्कुल वापस नहीं दूंगा। सोचिए, जो बाबा साहब अंबेडकर गोली खाने के लिए तैयार थे लेकिन अपने समाज के हक और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं थे, उन बाबा साहब ने पुणे पैक्ट पे साइन क्यों की? ये सारे लोग जो गुंडे भेजे थे वो गांधी जी को जेल में जाकर मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के सारे लोग। उनमें गांधी जी का एक सचिव हुआ करता था, सेक्रेटरी हुआ करता था, जो हमेशा गांधी जी की बातों को नोट करता था, उसका नाम था देसाई। एक देसाई डायरी करके, ये एक डायरी अस्तित्व में है जिसमें गांधी जी की कई सारी अनकही बातें हैं। इस देसाई ने एक बहुत बड़ी बात अपने डायरी में नोट कर ली। सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण गांधी जी को मिलने के लिए पुणे के येरवड़ा जेल में गए और गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, ये तुच्छ अछूत लोगों के लिए आप अपना महान जीवन क्यों क्यों त्याग कर रहे हो? छोड़ दो उनको, जो मिलना है मिलने दो, आप क्यों इन लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के ऊपर तुले हो, क्यों भूख हड़ताल पर लगे हो, उनको जो लेना है लेने दो। गांधी जी ने जो जवाब दिया वो देसाई ने अपनी डायरी में लिखा और वो जवाब ये था कि हम भारत के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर भारत को आजादी मिल गई और बाबा साहब अंबेडकर जी के पास ये कॉमनवेल्थ अवार्ड रहा तो इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री ये नेहरू नहीं अंबेडकर बन जाएंगे। गांधी के चेलों को लगा ये तो बहुत खतरनाक अवार्ड लेकर आए हैं, ये तो बहुत खतरनाक हक और अधिकार लेकर आए हैं, ऐसे हालातों में बाबा साहब से ये अवार्ड छीन लेना चाहिए। और फिर परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज की औरतों पे बलात्कार करना शुरू कर दिया गया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया गया, उनके ही खेतों में उनको जाने से मनाई कर दी गई, हर तरह के अन्याय और अत्याचार अछूतों के ऊपर इन लोगों ने शुरू कर दिए। और बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने एक सवाल रखा कि बाबा साहब, जो हक और अधिकार आप अपने लोगों के लिए लेकर आए हो, वो हक और अधिकार अगर उसका इस्तेमाल करने के लिए आपके लोग ही अगर जिंदा नहीं रहे तो यह अवार्ड किसको दोगे? और परिणाम, बाबा साहब को पुणे पैक्ट पे साइन करनी पड़ी। बाबा साहब को पुणे पैक्ट पे साइन करने से पहले बाबा साहब ने एक खत लिखा है जो खत पढ़ते हुए हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि एक तरफ मेरे समाज की जान है, एक तरफ उन लोगों की, उन बेकसूर लोगों की जान दांव पर लगी है और एक तरफ गांधी की जान है, अब मैं एक इंसान की जान बचाऊ या मेरे समाज की जान बचाओ, और मैं अपने समाज की जान बचाने के लिए ये पुणे पैक्ट पे साइन करने के लिए जा रहा हूं। बाबा साहब ने बहुत मजबूरी में, बहुत ही दबाव में आकर ये पुणे पैक्ट पे साइन किया, और वो भी अपने लिए नहीं, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए, मेरा समाज सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने ये साइन कर दी। वरना बाबा साहब ने उधर ही कह दिया था कि मुझे गोली भी मार देते हो तो भी मेरे समाज के हक और अधिकार मैं वापस नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही बाबा साहब को संविधान सभा पर जाने की संधि मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, बाबा साहब ने जो सारे हक और अधिकार थे वो फिर से संविधान में हम लोगों को दे दिए। आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देखते हो, 131 भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के आते हैं और समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए ये मुंह तक नहीं खोलते। वो इसलिए नहीं खोलते क्योंकि ये कॉमनवेल अवार्ड से प्राप्त हुए, कॉमनवेल अवार्ड से निकले हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये पुणे पैक्ट से निकले हुए गांधी के
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए ये हमारी हक और अधिकार की बात संसद में नहीं करते। बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एजेंट करके उल्लेख किया हुआ है। एजेंट का हिंदी में अर्थ होता है दलाल। ऐसे लोगों को हम अपना नेता मानते हैं और इसलिए पूना पैक्ट के इस जहर को भी हम लोगों को खत्म करने का काम करना चाहिए। आज बाबा साहब के अनटोल्ड अंबेडकर इस सीरीज में ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।